सो हेलो गाइस, स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। और आज का वीडियो होने वाला है एक छोटा सा नॉर्मल ब्लॉग, होम ब्लॉग होगा, होम ब्लॉग भी क्या, थोड़ा एक छोटा सा ब्लॉग होने वाला है, सिंपल सी चीज़ है। तो आज पहले हम करने वाले हैं अपने जो डोमिनेटर है उस पर हम थोड़ा सा रैपिंग वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, जो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। और बाकी जो हमारी जिप्सी है वो जिप्सी पेंट होके आ चुकी है, तो ये दो तीन चीज़ें काम हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। Why is it so hard to let you go? तो हम पहले डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा कलर करना है। तो कलर जो हमने पिक किया है एक ब्लू और येलो कलर है, जो मैंने एक एनएस पे रैप किया था अपने फ्रेंड का, तो वही सेम कलर हम करने वाले हैं। तो हम लोग सिर्फ अभी रैप करेंगे सिर्फ उसके अलॉय पे, हल्का हल्का थोड़ा सा व्हील्स पे करेंगे, व्हील्स पे अलॉय पे मतलब व्हील्स वही, तो उस पर करेंगे। तो एक बार उन लोगों को करके दिखाता हूँ, आप लोगों को कैसा लगेगा बताइएगा। बॉडी के लिए मैं बाद में करूँगा क्योंकि मेरे पास रैप कम पड़ जाएगा, तो फिर दिक्कत होगा। अभी जितना रैप है क्योंकि मैं शॉप क्लोज किया था तो मैं ले आया था कि अगर जरूरत पड़ गया इनकेस, मेरे को काम पड़ा, मेरे को रैप करना पड़ा क्या, मैं लॉकडाउन में करूँगा क्या, तो इसलिए मैं ले आया था। तो हीटगन से सब ले आया था लेकिन बस टूल्स ले नहीं पाया था, लेकिन टूल्स का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहले आप लोगों को रैपिंग दिखाता हूँ, उसके बाद की बात करते हैं। सो रैपिंग स्टार्ट करेंगे। रैपिंग का पहला प्रोसीजर है, हमने येलो रैप काट लिया है, अब इसको लगाएंगे हम टायर पे मतलब रिम पे, यहाँ से यहाँ पे हाफ पोर्शन पे जहाँ हमने पहले क्लीन करके रख लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक जो मैंने पहले ये रैप करके रखा हुआ था, ये मैंने पहले किया था, तो ये सामने से कुछ ऐसा लुक आ रहा है इसका। और साइड पे पहले पे ये तो मैंने कराया था, ये मैंने फिर एक बाद में किया था काट के। और ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है ये वाला ब्लू, ये ब्लू का मतलब अलग ही टोन है यार ये ब्लू पे। ये यहाँ पे किया है ब्लू, यहाँ पे ब्लू किया है, यहाँ पे ब्लू नहीं किया है, इसको करूँगा अभी मैं। और ऐसा कुछ है, मेरे को तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक बार आप लोग देख के बताओ कैसा लग रहा है। यहाँ लास्ट में भी था लेकिन वो मेरे को थोड़ा ऑड लग रहा था, तो मैंने इसको रिमूव कर दिया। गाड़ी तो काफ़ी गंदी हो पड़ी है, आज निकाल के थोड़ा बहुत साफ़ कर लूँगा। एक बार दो तीन बार मैंने धोया था लेकिन फिर भी गंदा हो गया, थोड़ा देर देख रहे माइनस स्क्रैचेस आ गए हैं पता नहीं कैसे। तो इसको भी मेरे को सेरेमिक कराना है, अब जब खुले शॉप पर कराता हूँ। ये खड़ी है अपनी आरएक्स, इसका जो किक की बात कर रहा था मैं, ये देख रहे हो आप किक यहाँ तक नीचे आ गया, तो इसका जो शाफ्ट होता है ये वाला अंदर से कनेक्ट रहता है वो घिस चुका है, तो ऐसा कुछ है। और एक यहाँ पार्कड है, और ये खड़ी है एक ड्यूक, और ये हमारा टाइसन। कैसे खेल के आते हैं ना आजकल, इनको बाहर घूमने मिल गया है ना, तो इन लोग कीचड़ में खेल के आते हैं, तो इसके पूरे गंदे गंदे पड़े हैं। तो ड्यूक है, ये ड्यूक मेरे पास आया है बिकने के लिए, थोड़ा बहुत इस पर काम है, जैसे ये लाइट वाले फिक्स सेक्शन ये चेंज करना है, और थोड़ा बहुत है। गाड़ी हल्की सी गिरी थी तो मैं बता ही रहा हूँ कि गाड़ी गिरी थी, अगर किसी को लेना होगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बाकी यार इधर गाड़ी, इधर गाड़ी, गाड़ी ये गाड़ी। Few moments later. टमाटर बोल रहा, निकाल लेना टमाटर। 12 seconds later. ओके सो घर में तीन तीन चार चार गाड़ी है, एक समय के लिए मम्मी को लग गया था कि सब मैंने ले लिया है, फिर मम्मी सोचती भी थी कि बेटे के पास पैसा आता कहाँ से है, लेकिन बेटा आपका सेव भी करता है और थोड़ा बहुत इन्वेस्ट भी कर लेता है, थोड़ा बहुत अर्न भी कर लेता है, तो इसलिए हो जाता है। तो आप लोगों को मैं जल्दी एक निंजा टेक्निक बताऊँगा कि बड़ी बाइक का नहीं लेकिन छोटी बाइक का, कि एक अच्छी बाइक किस प्राइस में ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं और कैसे सेव करके एक अच्छी बाइक ले सकते हैं छोटी, तो 200 सीसी 400 सीसी के बीच में, बड़ी बाइक का नहीं बता रहा हूँ। उसके लिए आपको फिर बहुत लंबा ड्यूरेशन चाहिए होगा, मैं जो बताऊँगा वो 5-7 महीना 8 महीना के अंदर आप एक बार ले सकते हो, ठीक है।
तो मेरा तो एक ड्रीम है कि यार ऐसी बाइक रहे, 4-5 और बाइक सोच के रखा हूँ, वो इन फ्यूचर तो एनी हाउ पूरा करना ही करना है। अब मैं ऐसा आदमी हूँ कि जैसे मेरे को ना किसी चीज़ का शौक़ नहीं है, मतलब ज़्यादातर जैसे मेरे को अगर आप बोलोगे तो जो कपड़े भी लेते हो मैं विदाउट ब्रांड में कुछ हो जाते हैं। मैं जैसे वॉच में लेता ही नहीं हूँ, वो मेरे को अभी गिफ्ट मिल गया तो ले लिया, फिर मेरे को ना ज़्यादा महंगा फ़ोन का शौक है। हाँ अभी थोड़ा सा ले लिया था, वो बात अलग है, वो मिल रहा था तो बात अलग है, लेकिन जैसे छोटी चीज़ों में खर्चा नहीं करता हूँ। तो सारे पैसे जो मेरे मैक्सिमम सेविंग होते हैं वो सारे मेरे बाइकों पे जाते हैं, पूरे मैक्सिमम। मैं तो ऑलमोस्ट मैं अपना बोल सकता हूँ 90-95% जो मेरी सेविंग होती है, जो मेरे एक्सपेंसेस होते हैं, मेरे बाइकों पे जाते हैं और जिम पे, दो चीज़ें। जिम से तो बाइक पे जाता है, इतना तो कन्फर्म है। तो अगर किसी को लगता हो कि बाइक लेने आसान है, तो मेरे को यार बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं उस चक्कर में, लेकिन ठीक है यार, एंड ऑफ द डे मेरे को ये चीज़ हैप्पी करता है और मेरे लिए वही मैटर करता है। अब हम लोग जाने वाले हैं जिप्सी लेने के लिए, और अभी आज भर मैं यहाँ ब्लॉग कर दे रहा हूँ, कल से थोड़ा सा इसका लोकेशन 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 बोलता हूँ, कल से थोड़ा इसका दिखने का और थोड़ा आउटपुट बोलता हूँ यार, वॉल को थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे, कुछ स्टिकर स्टिकर लगाएंगे, बहुत खाली लगता है। मेरी बहन बोलती है कि अरे भैया मैं ऐसे व्यूअर बोल रही हूँ कि आपका बैकग्राउंड ना बहुत अजीब सा खाली है, जैसे उधर कपड़ा फेंकाया हुआ है, इधर कुछ रखा हुआ है, मतलब मैं ऐसे ऐसे कर करके रूम को मैच कर देता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। और जिम वम आप लोगों का ऐसा चल रहा होगा, तो जिम मतलब घर पे मेरा तो वर्कआउट अच्छे से हो रहा है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। तो मेरे पास 2-3 डंबल है और एक रॉड है, तो फिर उसे कोई दिक्कत नहीं हो रहा। सो तो जिप्सी लेके आते हैं, फिर आगे दिखाते हैं आपको कि जिप्सी में क्या क्या है। और जिप्सी में अपन को दिखाया भी नहीं था, जिप्सी में हम लोग ने एक बुलेट की 110 वाट की रिंग लाइट लगाई हुई है सामने में, वो आप लोगों को दिखाना है, और थोड़े बहुत पेंट के काम हुए हैं अभी, जो बेसिक काम थे पेंट के वो हुआ है, और लाइट का लगा हुआ काम हुआ, लाइट पहले ही हो गया था लेकिन अभी पेंट के लिए उसके आता है, तो दिखाता हूँ आप लोगों को जिप्सी में, ठीक है? पहले लेके आते हैं ना, फिर दिखाऊंगा ना यार, ऐसा थोड़ी दिखा दूंगा।